आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट की, अर्थात जो कि खेती से कूड़ा निकलता है उसके अराउंड किस तरीके से हम उसे मैनेज कर सकते हैं, या उसको व्यावसायिक प्रयोग में लाना हो तो क्या क्या उसके हमारे पास माध्यम उपलब्ध हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट ये अपने में एक नया शब्द है, किसान से ज़्यादा खेती के बारे में कोई नहीं जानता है, मगर किसान को भी ये बहुत जानकारी नहीं थी कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट है क्या वो किसी भी तरीके से एक अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है, या किसी भी साधन से वो एक बिजनेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो हाँ, निश्चित रूप से किया जा सकता है। एग्रीकल्चर वेस्ट का तात्पर्य क्या है? एग्रीकल्चर वेस्ट उस तरीके का वेस्ट है जबकि आप फसल पैदा कर लेते हैं और फसल को निकालने के प्रयास में जो उसके पील्स बचते हैं उस तरीके के वेस्ट को एग्रीकल्चर वेस्ट कहा जाता है। इसका एक कंसोलिडेटेड टर्म मार्केट में, साइंटिफिक टर्म बायोमास भी है। बायोमास का तात्पर्य वो मटेरियल, वो वेस्ट मटेरियल जो कि किसी भी फसल के बाद, उसको बनाने के बाद, फाइनल प्रोडक्ट के बाद बचता है। आपने सुना होगा पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में कई समय तक इस तरीके के वेस्ट को जलाया जाता है, जिससे कि ये वही समय होता है जो दीपावली के ठीक आसपास आता है, फसल कटती है, इस वेस्ट को बहुत मात्रा में जलाया जाता है और इससे काफ़ी पर्यावरण दूषित होता है। काफ़ी समय तक ये जलाया जाता रहा, इस दशक में जिसमें हम अभी 2010 से 2020 तक में, जिसमें कि ये डिसाइड किया गया या ये सोचा गया कि इसमें ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया जाएगा, इस दशक में बायोमास बेस्ड, इसका एग्रीकल्चर वेस्ट बेस्ड काफ़ी सारे पावर प्लांट लगाए गए। ये पावर प्लांट राजस्थान, गुजरात, पंजाब में बहुत आयात में देखे गए, उत्तर प्रदेश में भी कई तरीके के इस तरीके के पावर प्लांट हैं जहाँ पे खेती के बचे हुए कूड़े को उपयोग करके पावर बनाई जाती है। ये पावर, इस तरीके के वेस्ट से किसान पे एक तो दबाव कम हुआ कि उसको उस वेस्ट को किस तरीके से निस्तारण करना है, क्योंकि वो पहले उसके पास केवल एक ही साधन था कि इसको जला दे, उसके जलाने से काफ़ी वातावरण दूषित होता था और उसको भी कोई लाभ नहीं होता था उस वेस्ट का। जब से ये पावर प्लांट एस्टैब्लिश किए गए, हमने ये देखा कि वो पावर प्लांट के लिए वो वेस्ट एक इनपुट फ्यूड मटेरियल के लिए काम करता है, जिसकी अगेन कैलोरीफिक वैल्यू 2200 से 2600 तक देखी गई। केवल इसके साथ एक समस्या है कि एक लो डेंसिटी मटेरियल होता है, अर्थात इसका घनत्व तो बहुत कम होता है तो ये ज़्यादा स्पेस लेता है। एक वॉल्यूमेट्रिक मटेरियल है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की छोटी थोड़ी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, मगर ये एक रेगुलर बिजनेस नहीं है तो पूरे साल नहीं चलता है। तो जिस समय फसल का साधन सामान रहता है उस समय इसका एक बहुत प्रयोग रहता है। तो जितने भी इन ऑपरेटर्स ने इस तरीके के पावर प्लांट लगाए, उन्होंने एग्रीकल्चर वेस्ट को एज ए इनपुट फ्यूड मटेरियल यूज़ किया, किसानों से खरीदा, इससे किसानों की आय भी बढ़ी, उसको वो रेगुलराइज भी कर पाए, साथ ही साथ इस तरीके के फीड स्टॉक को काफ़ी समय तक संरक्षित रख के वो पावर प्लांट को एज अ इनपुट फीड मटेरियल भी दिया, जो कि हमारे खेती के बाद जो किसानों को एक नई आय का स्रोत भी मिला और जो इस तरीके का वेस्ट है वो मैनेज भी होता गया। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि इस तरीके के एग्रीकल्चर वेस्ट से किस तरीके की आय, या किस तरीके से हम जो हमारे किसान भाइयों को यदि फसल खराब होने से जो हानि रहती है, जो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, उनसे वो कैसे उभर सकते हैं, और साथ ही साथ जो पहले की हम फसल जलाया करते थे, जो हमारे पास फाइनली पील्ड मटेरियल होता था जो कि किसी भी अनाज का कवर होता है, उससे किस तरीके से वो अपनी आय बढ़ा सकते हैं। यदि मैं पहले बात करूं कि जो पील्ड मटेरियल है जिससे कि हम आय बढ़ा सकते हैं, वो इस समय जितने भी पावर प्लांट के एस एच ऑपरेटर्स हैं जो अपने फर्नेस में उसको इनपुट फीड स्टॉक की तरह यूज करते हैं, वो एक रुपए से 1.5 रुपए के जी से लेके 2.5 से 3 रुपए के जी तक उसके लिए पे करते हैं। मतलब हुआ कि 1500 रुपए टन से लेके 3000 रुपए टन तक उसकी लिफ्टिंग वैल्यू है पावर प्लांट्स के ऑपरेटर के लिए, जो कि निश्चित रूप से किसानों की आय में नतीजतन एक काफ़ी बढ़ावा आता है, उनको एक एक्स्ट्रा इनकम रहती है, एक अतिरिक्त आय उत्पन्न होती है। और साथ ही साथ जो फसलें किसी भी एनवायरमेंटल क्लाइमेटी के ड्यू टू खराब हो जाती हैं, अतिरिक्त बारिश या सूखा, उनके लिए भी वो जो मटेरियल है उसकी प्रोसेसिंग की कई व्यवस्थाएं आ गई हैं, जिनको कि हम मार्केट में यदि आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे उस तरीके के, यदि आप प्रयास करेंगे पता करने के, तो आपको मिलेगा कि उस तरीके की प्रोसेसिंग की व्यवस्थाएं आ गई हैं जो कि फसल एक समय पर पूरी ही खराब जा रही थी, उस फसल को कहीं ना कहीं उपयोग करके आप कुछ एक साधन तक आय तक उपलब्ध कर सकते हैं। जो फसल से मान लेते हैं, यदि आप कहीं कुछ भी गेहूँ का यदि हम एक यदि सेल प्राइस देखें 17.5-16 रुपये तक जो जाता था, उससे कहीं ना कहीं उसकी रिकवरी 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये पर केजी तक हो जाती है।
इस तरीके के वेस्ट को एक नियंत्रित करने का माध्यम होना चाहिए, किसान भाइयों तक वो जानकारी पहुंचनी चाहिए, और साथ ही साथ इस शिक्षित किसान के साथ एक जो हमारा एक एक लाभ है वो यही है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने इन तरीके के संसाधनों को, इस तरीके के ज्ञान को उपयोग करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।